वो नहीं मिल रहा, कंफर्ट नहीं मिल रहा, कंफर्ट कहीं नहीं है। थोड़ा सा ऐसे करते मेरे लेग रूम खत्म हो रहा है, अंडर थाई भी नहीं है, अंडर थाई तो खत्म है इसमें यहाँ पे कुछ। मैं परेशान हो गया, गाड़ी एक घंटे से मेरे पास है, ज्यादा पतला है, ऐसा लगा कुछ चीज इसमें टेंट की तरह कुछ लगा दिया हो। तो भाई राम राम सभी भाइयों को, कैसे हो सारे के सारे। पॉजिटिव वाली वीडियो आपने उम्मीद करते हैं देख ही लियोगी, नहीं देखी होगी तो अभी अभी आपको आई बटन मिल जाएगी ऊपर, पहले वो देख लेना भाई, उसके बाद आना नेगेटिव में। चलो भाई तो शुरू करते हैं इसके नेगेटिव वीडियो, पांच नेगेटिव बताएंगे आपको इसके। सबसे बड़ा नेगेटिव है भाई, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा कम है, वो है भाई इसका बूट स्पेस। अब भाई कुछ लोग बोलेंगे कि बैटरी उसकी उसकी वजह से, हाइब्रिड की वजह से, तो हम मान रहे हैं जो पॉइंट है वो पॉइंट है। कितने इतनी कम है इसकी, मतलब 265 लीटर की पूरी वो है बूट स्पेस, मतलब सबसे छोटी, जो कि हैचबैक गाड़ियों में आती है। बात करें इसके कॉम्पिटिटर की, अगर क्रेटा की बात करें तो भाई हमारी क्रेटा में मिल जाती है 433 की मिल जाती है, एस्टर जो कि मैं उनका कर रहा हूँ सबसे ज्यादा 488 लीटर की बूट स्पेस मिलती है भाई इसमें, आधी है इसकी। देखो आप देखो ना, चार लोग जाएंगे तो बैग पूरी तरह आ भी नहीं पाएंगे, जैसे हम लोग ट्रिप पे गए थे तो हम तो भाई परेशान हो जाते यार, क्योंकि नहीं आ पाएंगे। अब उसका रीजन आप इसको मान लो, बैटरी को या कुछ मान लो, जो है भाई वो है बैटरी को मान लो, जो है भाई वो है। तो पहला पॉइंट इसका यही बन जाता है बूट स्पेस। सेकंड पॉइंट के लिए अंदर चल लेते हैं यार थोड़ा सा। देखो भाई गाड़ी बाहर से अच्छी प्रीमियम लगती है, लेकिन जाओ अंदर बैठोगे ना यार, बैट फिट एंड फिनिश है इसमें, बहुत ज्यादा गंदी, बहुत ज्यादा फिट है, मतलब ये देखो ना, ये देखो कितना मतलब हार्ड प्लास्टिक, कितनी गंदी है, रैटलिंग नॉइस आ जाती है कहीं से भी। और सबसे बड़ा गंदा भाई इसका ये गियर नॉब भाई, मैं परेशान हो गया। अब गाड़ी एक घंटे से मेरे पास है, वीडियो वगैरह बना रहे हैं भाई, मैं इससे परेशान हो गया। मैं भी ऑटोमेटिक चला रहा हूँ भाई, शिफ्ट ही नहीं होता यार, इतना गंदा रफ है, पता नहीं क्या है इसमें, मेरे तो समझ में, मेरे तो समझ में नहीं आया। ऐसी इसका स्टीयरिंग भाई बहुत स्टिफ स्टीयरिंग है, वो फील नहीं आती गाड़ी, जैसे आजकल गाड़ी ना यूं कट जाती है भाई, एक उंगली से कट जाती है, कोई सी भी गाड़ी ले लो आप, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स चलो भाई, हम स्टीयरिंग को जब भी मान लेंगे, पर ये तो भाई इसका गियर नॉब जो इतना गंदा है, बहुत इतना ज्यादा, मतलब आप परेशान हो जाओगे ये शिफ्ट करने में, वरना जाता बिल्कुल अकड़ जाता है। अगर आपसे कंप्यूटर की बात करो ना, क्रेटा सेल्टोस एस्टर को साथ इतना प्यार से घेर निकलते हैं उसके, जबकि ऑटोमेटिक है भाई, मैनुअल तो मेरे को नहीं पता, मैनुअल मेरे नहीं चला, लेकिन ये ऑटोमेटिक तो शिफ्टिंग बहुत ही ज्यादा घटिया है भाई इसकी, ये इसकी फिट एंड फिनिश में आया था। हाँ ये देखो भाई इसका ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है नेट के कपड़ा होता है ना, उससे भी पतला, इतनी गंद। मेरे भाई अच्छी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आजकल सनब्लाइंड में ये दे रहे हैं पतला वाला जो स्टफ है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ज्यादा पतला है यार, नीचे लटक रहा है देखो, हाँ। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा पतला है, ऐसा लगा कुछ चीज इसमें टेंट की तरह कुछ लगा दिया हो, हवा चलती उड़ ना जा भाई, कसम से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गंदा यार। मारुति थोड़ा सा इन चीजों में सुधार करो यार, ये चीज मुझे लगी फिट एंड फिनिश में। और इसका ये जो ये मैनुअल ड्राइविंग, हाँ देखो आपने टॉप मॉडल गाड़ी ली है, ये आप इसको हाथ से करोगे ऐसे ऐसे, बताओ क्या बात है, बताओ यार क्या अच्छी बात है। और ये देखो आगे पीछे ऐसे, ये ऐसे करो आगे पीछे, वही अपना बेसिक वाला। अरे यार वो इतना ना वो एडजस्ट अच्छे से हो नहीं पाता, इलेक्ट्रिक वाला ना, जैसे तुम पीछे बैठो मेरी तरफ करो, तुम्हारी तरफ वाला जो है ये चीज है ना, हम जब इलेक्ट्रिक होता है ना, हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, मैनुअल में इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं भाई। ड्राइवर को तो इलेक्ट्रिक चाहिए यार एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि उसको सीटिंग पोजीशन बनानी है अपनी, अब वो ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके तो बनाएगा नहीं ना यार। और वो भी इतनी मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में जब तुम 21 लाख रुपए खर्च रहे हो, तुम्हें ये तो देना चाहिए था भाई, ये तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड ज्यादा हो गया आजकल तो यार, बहुत ये आउटडेटेड है, ये तो बहुत बड़ा मतलब इसमें पॉइंट है इसमें की फिट एंड फिनिश में की ये मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अब इसका थर्ड पॉइंट बन जाता है इसके ब्रेक्स भाई, इसके ब्रेक्स। अरे यार अब आगे एक क्लिप देख के आओ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो ड्राइव की बात करूं तो ब्रेक दिखाता हूँ आगे टेस्ट करके, क्योंकि खाली है सेफ्टी पर्पस से भी। देखो मैं पुश किया गाड़ी को, पकड़ लेना, बहुत घटिया ब्रेक है भाई, बहुत घटिया ब्रेक है भाई ये तो। देखो भाई उस क्लिप में आपने देखो भाई, मैं उस सीरियसली बता रहा हूँ, गाड़ी को इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, 60-65 पे होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई, ब्रेक मारती गाड़ी ऐसे ऐसे हिल गई। बताओ अगर आपको हाईवे में इमरजेंसी ब्रेक मारना पड़ जाए तो मैं समझता हूँ गाड़ी ब्रेक इतने ज्यादा घटिया है यार इसके। और खाली इसके नहीं, मैं बात करूं, बात है ना, कॉन्फिडेंस नहीं दिया ब्रेक होने, और पता डर गया बंदा, ब्रेक लगते मेरे हाथ मतलब ऐसा हो गया भाई, ड्राइवर को पैसेंजर डर गया भाई सब। और खाली इसके नहीं, हमने बलिनो वगैरह के भी टेस्ट करे, ब्रेक नहीं है भाई अच्छे, कॉन्फिडेंस नहीं देते, वो बिल्कुल भी नहीं देते भाई। तो ब्रेक्स के मामले में तो इमरजेंसी ब्रेकिंग करना ही मत इस गाड़ी में। चौथा पॉइंट इसका बात कर लेते हैं, वो है बैक रियर कंफर्ट। चलो मैं जाके दिखा रियर कंफर्ट को, ये सीट सीधी कर जाओ अपनी, सीधी कर रहा हूं बस, देखो ये बता देगा क्योंकि रियर कंफर्ट अच्छा नहीं है भाई इस गाड़ी का बिल्कुल भी, मतलब मैं ऐसे सीधा बैठ रहा हूं, यार पीछे ये टिल्ट हो जाएगा क्या, नीचे होगा नहीं है, नहीं होगा भाई, बूट स्पेस ऑलरेडी कम है, ये हमें सीधा बिठा रहा है, मतलब थोड़ा सा ना हम हेड रूम तो बिल्कुल भी नहीं है, हेड रूम तो खत्म ही है, धचका लगती भट्ट सर लगेगा इधर या किधर भी लग जाएगा, बंदे को नींद आ जाए तो वो ऐसे लेटा हुआ है उसको, मतलब
वो नहीं मिल रहा, कंफर्ट नहीं मिल रहा, कंफर्ट कहीं नहीं है। थोड़ा सा ऐसे करते मेरे लेग रूम खत्म हो रहा है। अंडर थाई भी नहीं है, अंडर थाई तो खत्म है इसमें, यहाँ पे कुछ कोई सपोर्ट नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट कुछ नहीं है, जीरो है अंडर थाई सपोर्ट। खड़े होकर ऐसे बैठना पड़ रहा, मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है कि ये पीछे को क्या है, बिल्कुल ऐसे बैठे। मतलब आप ट्रैवल लॉन्ग नहीं कर सकते। सबसे आज तक इतनी गाड़ी में पीछे बैठ के देखा, पर इतना ज्यादा अनोइंग मेरे को किसी गाड़ी में नहीं लगा, जो मैं बिल्कुल सही बात बताऊंगा। तो भाई रियल कंफर्ट के मामले में नहीं है ये गाड़ी। तो भाई मेरे हिसाब से तीन जने तो बैठ ही नहीं सकते इसमें पीछे फिर है भाई। तीन जने तो बैठ ही नहीं सकते इसमें पीछे फिर नहीं भाई। तो भाई ये पॉइंट हो गया है किसका, चौथा, जो कि है रियर कंफर्ट। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई, बिल्ड क्वालिटी। भाई अब मारुति की बात आई है ना भाई, तो सबसे बड़ी बात तो वही आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये भाई ये पेपर से दो डोर्स हैं इसके, इतने ज्यादा हल्के, ना इसमें थर्ड साउंड फील होती ना कुछ होता, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। एक बार इसका उसी मामले बोनट खोल के दिखा देते हैं, थोड़ा ज्यादा आइडिया लग जाएगा। बोनट खोल, बहुत ज्यादा हल्की बिल्ड है भाई, भाई बहुत ज्यादा हल्का है, लग रहा है पकड़ने से पता फील हो रहा है कि मतलब कि यहाँ कुछ कुछ खास नहीं है। छोड़ियो, हाँ भाई बहुत हल्का है यार, बहुत बिल्कुल पेपर जैसा है भाई। ये देखो ये भाई इसका हाइब्रिड इंजन है, ये तो सब ठीक है भाई, अच्छी ज्यादा अच्छा करा हुआ है इन लोगों ने, मैनेज सारा हाइब्रिड, वहाँ इसका हाइब्रिड मोटर लग रखी है, ये इसका हाइब्रिड मोटर, ये इसका इंजन है 1.5 लीटर का। लेकिन बिल्ड क्वालिटी में मजा नहीं है भाई, बिल्कुल भी मजा नहीं है, पेपर जैसी गाड़ी है। पेपर मतलब आप डोर भी एकदम खोलते हो ना, यू भट जैसे खुल जाता है भाई, जबकि आप स्कॉर्पियो टाटा की गाड़ी देखोगे इसमें, मतलब वो नहीं है कि बहुत कि हाँ ये वो हो स्ट्रॉन्ग। बाकी एनकैप रेटिंग मेरे हिसाब से अभी आई नहीं, इसकी आएगी तो वो हम आपको दिखाई देंगे। तो ये है भाई कुल मिला के इसके पांच पॉइंट बन जाते हैं हमारे नेगेटिव। एक बार रिपीट करवा देते हैं भाई, ठीक है ना, अंदर बैठ के आ जाओ, अंदर बैठ के, बाहर है थोड़ा सा शोर। पहला पॉइंट हमने लिया था इसका बूट स्पेस जो कि बहुत ज्यादा कम है, जो कि 233 लीटर ही था, 265 लीटर, 265 लीटर बूट स्पेस है, जो कि सेगमेंट में सबसे कम है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमने लिया था इसका बैड फिट एंड फिनिश, जो कि इस गाड़ी में अंदर आप आओगे ये गियर नॉब हो गई, ये हो गया, दो तीन चीजें और हो गई, बहुत ज्यादा गंदी फील नहीं आ रही गाड़ी में कि आपने इतना पैसा दिया है। चाहे हम बटन की क्वालिटी की बात करें तो मजा मुझे पर्सनली फील नहीं आई, या तो ऐसा है मैं एस्ट्रा चला रहा हूँ, बहुत ज्यादा लग्जरियस लगती है, लेकिन पर वो भी इसी सेगमेंट की है, उतनी मत दो लेकिन फील तो है गाड़ी में, वो मुझे नहीं आया मजा। तो तीसरा पॉइंट जो हमने कवर किया है वो थी ब्रेक्स भाई, वो तो सबसे बड़ा नेगेटिव लगा मुझे, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी इसकी, जैसे मैंने ब्रेकिंग ली ना बिल्कुल गाड़ी डगमगा गई। चौथा पॉइंट हमने जो लिया था इसका वो था भाई रियर कंफर्ट नहीं है भाई गाड़ी में, से भी नीचे है। मतलब ना अंदर थाई सपोर्ट है, ना हेड रूम है, ना लेग रूम है, तीनों में से एक भी पॉइंट अच्छा नहीं है। मैं तो अपनी गाड़ी को समझता था भाई कि उसमें नहीं है, लेकिन मुझे अब देख रहा है चलो ठीक है, जी गाड़ी जब भी ठीक आ रही है, ठीक है भाई। और आखिरी पॉइंट इसका यही है, जो वो कागज सी गाड़ी है बाहर से बैठ, जो वो कागज सी है, पत्ता सी गाड़ी है बिल्कुल। तो ये थे भाई इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, बाकी और जो वीडियो कहोगे वो बना देंगे यार। वैसे हमने सब चीज कवर कर ही दिया अब तक, इस वीडियो का रिव्यू भी ले लिया और 0-100 ड्राइव कर ली, पॉजिटिव नेगेटिव कर लिए। माइलेज का कहोगे तो माइलेज का बना देंगे। और एक चीज और भाई यार, अभी मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, मुझे ध्यान में आया, सोचा बता दूं आपको भाई, कितनी बेसिक सी की दे रही है मारुति यार, ये देखना आप क्या दे रहे हो मारुति यार, बंदा 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है, ये क्या है यार, कुछ प्रीमियमनेस तो हो इस की में, कितनी बेसिक की है यार, इस की को चेंज करो यार प्लीज, बहुत ज्यादा घटिया लग रही है की, मैं तो देखते भी हैरान हो गया, मैंने कहा इसमें भी भाई यही की दे रहे हैं ये लोग, हद है भाई हद है। कोई और अब आपको कोई क्वेरी हो वो बता देना, जब अब इस वीडियो में इतना ही, जय श्री राम। एक बार फिर से कहूंगा कंक्लूजन यही है, हाइब्रिड के लिए चाहिए तो ले लो, नहीं तो मत लो, नहीं तो भाई किसी और ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाइब्रिड एवरेज डेली रनिंग है 100-150 किलोमीटर की, तो ले लो फिर, आपको फायदे करके जाएगी, घाटे में नहीं जाओगे। चलो मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।